हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आज का छोटा सा वीडियो, जो कि सुबह मैं ब्लॉग बना रही थी तो ब्लॉग में ही मैंने शेयर किया है। यहाँ पे जैनी को मैं बांध रही हूँ और फटाफट से सारे काम ख़त्म करूँगी मैं। और ये मैंने जैनी को बांध दिया यहाँ पर, क्योंकि जैनी को और भी लोग रहते हैं तो फिर ये लगता है ना कि किसी को भोंके ना, क्योंकि कुछ लोगों को भोंकने से भी डर लग जाता है, इसलिए तो और भी लोग रहते हैं तो जैनी खुली रहती है तो फिर उनको भौंकने लग जाती है तो वो लोग डर जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे जैनी को बांध दिया है। वैसे ऊपर छत पे अगर कोई नहीं होता तो उसको खुला घुमाते हैं, उसको छत में वो क्या होता है जब आती है ना तो इधर उधर भाग भाग कर वो बहुत घूमती है। तो यहाँ पर मैं फैला रही हूँ कपड़े। वैसे कपड़े फैलाने का वेदर तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम देख रहे हो कितनी ज़्यादा वाली बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ इतनी ठंड टाइप का हो गया है कि अच्छा वेदर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। तो कपड़े सूखना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कि नीचे ही डालने पड़ते हैं, फ़ैन में ही डालने पड़ते हैं। थोड़े बहुत ये होता है कि हाँ पानी वानी निकल जाता है, तो दो तीन कपड़े होते हैं तो वॉशिंग मशीन में सोचती हूँ क्या प्लग लगाऊं, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन निकाल कर लानी पड़ती है बाहर, प्लग के पास लगानी पड़ती है, तब जाकर कहीं होता है। इतना बड़ा झंझट मैं करने के लिए सोचती हूँ हटाओ यार, झंझट नहीं करूँगी। जब ज़्यादा कपड़े होंगे विंटर्स में तो ज़्यादा निकालूँगी, क्योंकि वो हैवी कपड़े हो जाते हैं, वो वाले वो हाथ से धुले नहीं जाते तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ता है। और ऐसे मुझे थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो धुल दो सूख जाते हैं दो दिन में, तो एटलीस्ट दो दिन में तो सूख ही जाएंगे कैसे तैसे करके, तो दो दिन में मेरे कपड़े डाल देती हूँ। सो यहाँ पे मैं जैनी बंधी हुई है, देख रही है कि जल्दी नीचे चलो, क्योंकि ऊपर बादल गरज रहते थोड़े थोड़े से, और गरज रहते सिर्फ बरसे नहीं थे, बरसे थे दोपहर में, थोड़े बहुत कपड़े मेरे सूख चुके थे तब बरसे थे। सो ये छोटा सा ब्लॉग है, इन तक बने रहिएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे। गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। दिन उसके बाद आ गई हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ग्लास में मैंने ज़्यादा दूध नहीं लिया, थोड़ा सा दूध लिया था और बनाना लिया था, ये मेरा डेली का है। थोड़ा सा खाती हूँ, सिर्फ वन बनाना ही खाती हूँ और ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, खाना फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं फ्रूट्स ज़रूर से खाती हूँ सुबह, चाहे बनाना हो जाए एप्पल हो जाए, दो में से कुछ ना कुछ तो मैं खा ही लेती हूँ मॉर्निंग में। तो चलिए अभी मैं सिर्फ इतना ही खाऊंगी, बाकी लंच मेरा होगा बस सुबह के टाइम इतना ही खाती हूँ, बाकी कुछ नहीं खाती हूँ, डायरेक्ट लंच होता है मेरा और लंच करती हूँ, और उसके बाद में शाम को वही हल्का फुल्का कुछ स्नैक हो गया वो, फिर डायरेक्ट रात में डिनर होता है। तो बस ऐसे ही डाइट चलती है मेरी। फिर चलिए आप ज़्यादा बातें नहीं करते और मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट कैमरे के सामने। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक एक लाइक आप लोगों का बहुत ही मोटिवेट करता है, इसलिए तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा। ओके तो चलिए, मेरा यहाँ पर बनाना भी फिनिश हो चुका है और दूध भी मेरा फिनिश हो चुका है। मैं यहाँ पर शायद टीवी लगाई थी, नहीं टीवी नहीं लगाई हूँ, टीवी देखो दिख रही है उस पर, टीवी मैंने नहीं लगाई थी शायद, ऐसे ही खा रही हूँ। और उसके बाद में मुझे कुछ काम थे वो मैं जाऊँगी, बाहर जाना था मुझे, बाहर जाऊँगी, उसके बाद में घर आके डायरेक्ट आप लोगों से मिलूंगी। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छी होगी, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी हो रही है बारिश, होने लगाई थी ऊपर कपड़े उतरने, ये देखो जैनी और देखो बूंदे गिर रही है यहाँ पर। सो नीचे जल्दी से, क्योंकि बारिश हो रही है, भीग ना जाऊँ मैं इसलिए। तो मैंने कपड़े पहले उतार लिए, जैसे ही तेज़ होगा मैं नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि बारिश हो रही है ना तो मेरा फ़ोन भी भीग रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं साइड में जा रही हूँ, साइड में चल के बात करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर तो बात करना फ़ोन गीला हो जाएगा, इसलिए चलते हैं नीचे और यहाँ बैठ के बात करते हैं आप लोगों से, क्योंकि बारिश होने लग जाती है ना तो फ़ोन जल्दी भीग जाता है, और फ़ोन भीगता है तो फिर फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए फ़ोन भिगाने से ज़्यादा बेटर है कि मैं यहाँ बैठ। तो ये जैनी यहाँ पे बैठ रही है, जैनी यहाँ आओ बाबू। सो अभी सबसे पहले मैं इसके नीचे बैठ गई हूँ ना, इसलिए चलते ही नीचे, नीचे सारे काम पड़े हुए हैं। और कपड़े तो मैं धुल ही चुकी थी सुबह, कपड़े मेरे धुल गए थे, फैला दिए थे, सूखे तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सूखे, गीले ही पड़े हुए हैं, ये है कि थोड़े बहुत हाँ ठीक हो गए हैं, अब नीचे सूख जाएंगे, क्योंकि टावल वगैरह ना, टावल वगैरह क्या होती हैं जल्दी सूखती नहीं है। सो और हाँ, मैंने वीडियो अपलोड की है साड़ी वाली, आप लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। सो गाइज, मतलब साड़ी वाली वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग वॉच क्यों नहीं करते? मैं ब्लॉग डेली अपलोड करती हूँ, बट आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो मेरी सारी वीडियोस को सपोर्ट किया करिएगा, क्योंकि मेहनत तो मेरी साड़ी वाली वीडियो में भी लगती है, सारी वीडियो में लगती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो में लगती है। बारिश आई थी देखो, बंद भी हो गई, चलते हैं फिर वहीं, क्योंकि वहाँ हवा नहीं लगती है, यहाँ हवा लगती है अच्छे से बैठ के बात करने में, तो यहाँ हवा लग रही है, जहाँ हवा लगेगी वहाँ बैठ के बात करेंगे अच्छे से।
बारिश में सबसे पहले जैसे ही बादल गरजने लगते हैं तो बहुत डर लगता है ना जेनी। वो देखो जेनी बस इधर उधर इधर उधर 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 घूम, कह रही है जल्दी से नीचे चलो, नीचे कब चलोगी यार, नीचे कब चलोगी। जेनी को बस ये हो रहा है कि नीचे जल्दी से चलो, उसको तुरंत नीचे ले जाने के लिए होता है कि नीचे बिल्कुल तुरंत चलो। सो हो रही है, मुझे पता है कि जैसे ही मैं कपड़े डाल, ऐसे तो बारिश नहीं होगी तेज, धीरे धीरे हो रही है, ये देखो बिल्कुल धीरे धीरे बारिश हो रही है तेज। जैसे ही मैं कपड़े डालूंगी ना, वैसे ही बारिश इतनी तेज़ आ जाएगी कि मेरे कपड़े चूने लग जाएंगे बारिश से। तो इसीलिए मैं कपड़े नहीं डालूंगी अब ऊपर, कपड़े डालूंगी तो मेरे कपड़े भीग जाएंगे, पक्का वाला भीग जाएंगे। तो पहले से ही अलर्ट रहो और ध्यान रखो। इसलिए मैं, मेरे साथ में ये अक्सर होता है कि मैं कपड़े डालती हूँ, वैसे बारिश नहीं होगी, वैसे धूप होगी अच्छी खासी, और जैसे ही मैं कपड़े डालूंगी वैसे ही हो जाएगी बारिश, और बारिश धीरे बहुत नहीं होगी, बहुत तेज़ वाली आ जाएगी। अभी देखो मौसम, आप लोग लग रहा है कि हाँ बारिश होगी, ये देखो अभी आप लोग, ये देखो मेरे केले के पत्ते कितने अच्छे हो गए हैं ना, हरे भरे हो गए, कितने बड़े हो गए। और देखो अभी थोड़ी सी बूंदें झड़ी हैं, और देख लो वेदर हल्का हल्का सा लग रहा है, धूप आला हो गया है, हल्का हल्का सा धूप आला हो गया है। बट अभी जैसे ही मेरे कपड़े पड़ेंगे वैसे ही मेरे कपड़े फिर से बेकार हो जाएंगे, थोड़े वो जो सूखे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं ना ही डालूं। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों से कह रही थी सपोर्ट के लिए, गाइस मैंने सारी की वीडियो डाली है तो वो भी सपोर्ट किया करिए, क्योंकि उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, व्लॉग में लगती है, जैसे व्लॉग तो सारा दिन का होता है, उसमें फिर तो लगातार 2-3 घंटे लगे खड़े होने पड़ते हैं, सच बता रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, समझ में नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं नीचे, नीचे चल के बात करते हैं, कुछ सामान आया है, सामान दिखाते हैं आप लोगों को क्या सामान आया है, और डेली व्लॉग है तो डेली व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ। सो चलिए देखते चल के नीचे क्या क्या सामान आया है। ओके, मैं तो वैसे ही वेट कर रही हूँ मैंने नीचे चलने के लिए, खाया भी नहीं है तो खाते हैं चल के, खाना लगा, भूख लगी मुझे, मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी, तो चले चलते हैं पनीर की सब्ज़ी खाते हैं चल के, और खाना फिनिश करते हैं चल के, भूख लगी है मुझे सच में बहुत तेज, और चलते हैं नीचे। ओके, और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उधर से देख रही थी कि शायद पार्सल वाले भैया आ गए, मुझे पार्सल मंगाना था ना, पार्सल आना था मेरा आजकल में, तो वही मुझे लग रहा था कि शायद आ गए हैं क्या, बट अभी आए नहीं, आए होते तो कॉल आती, इसलिए एक सामान तो मेरा आ चुका है, तो चलिए दिखाती हूँ चल के मेरा एक सामान और कौन सा आया है, क्या क्या आया है। तो चलिए गाइस, और हाँ ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहिएगा, और रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है इसलिए ब्लॉग को स्किप करके गाइस अगर देख रहे हो तो ठीक है, बट फिर भी एंड तक देखिएगा आप लोग। ओके, मैं इतना नहीं बोलती हूँ कि हाँ आप लोग बोर हो रहे हो तो नहीं हो, फिर भी अगर देख रहे हो स्किप करके तो फिर एंड तक देखिएगा। ओके चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या सामान आया है, देखते हैं चलिए कर देते हैं क्या सामान आया है। चलो चलो चलो, मैंने कुछ सामान मंगाई है, सामान में मेरा आया है चाचा, ये आए हैं मैगी, मैगी आई है 12 पैकेट, तो 12 पैकेट मैगी आई है, ये देखिए ये सारी चीज़ें आई हैं, 12 मैगी हैं इसमें, और मेरा आया ये शैम्पू, यहाँ पर शैम्पू मैंने ऑर्डर कर दिया था, और शैम्पू मैंने मंगा लिया है उसके साथ में। इससे पहले मैंने आधा लीटर का यूज़ किया है, वो वाला ख़त्म हो चुका है, तो मैंने, मुझे ठीक लगा ये वाला शैम्पू यूज़ करना, तो मैंने इसको ही ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे एक ये छोटा वाला लिवॉन पैकेट है, लिवॉन का सैसे मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है, एक मिनट, इसको टाइट नहीं है, ये टाइट नहीं था, अब ये ख़त्म भी हो चुका है, बहुत मैंने यूज़ भी किया है, ये देखिए इतना बचा हुआ है, मैंने 2-3 बार इसको यूज़ भी किया हुआ है ना, इसलिए ख़त्म हो गया है इसलिए। तो यहाँ मंगाया है शैम्पू फॉर बेबीज़, ये मंगाया है मैंने, ये मंगाया है टमाटो केचप, और ये मंगाया है मैंने यहाँ पर अपना कंडीशनर, जो कि मुझे बहुत नीड थी इसकी, तो इन सभी चीज़ों का मैंने मंगा दिया है, मुझे ज़रूरत थी, सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें आ गई हैं जितनी मुझे काम की चीज़ें थी। सो ये मैंने शैम्पू जो मंगाया है वो मंगाया है हेयरफॉल डिफेंस वाला, ये हेयरफॉल ना हो, बाल सिल्की साइन बने रहें इसलिए प्रॉब्लम ना हो बालों में। सो ये बैठी है जेनी, ये बैठी है जेनी कर रही है सतानी, पता नहीं कौन सा कैप लेकर आई है, उसके साथ में खेल रही है, उसके देखो क्या हाल कर दिए कैप के, पूरा ख़राब कर दिया, ये देखिए
और इस बार मैंने कपड़े फैलाए थे, हो रही थी, बट कपड़े मैं नीचे लेकर आ गई हूँ, कपड़े हो रही थी बट कपड़े नीचे लेकर आ गई हूँ, अब बिल्कुल नहीं हो रही है बारिश, हल्की हल्की धूप लग रही है, बट अभी मैं फैलाऊँगी तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अंदर, कपड़े मैंने अंदर ही फैला लिए, अब ऊपर मैं फैलाऊँगी नहीं, नीचे ही फैले रहेंगे, ऊपर बारिश में बार बार कौन ऊपर नीचे कर। देखो जैनी आ गई मेरे पैरों के पास, जैनी पैरों से प्यार करो, ये देखो इनको पैरों में सर रखना बहुत पसंद है, इस तरह से अपना रख लेती हैं नेक और कहती हैं नेक में इस तरह से प्यार करो, इस तरह से इनके नेक में इस तरह से इनको प्यार करो, इनको बहुत प्यार करने में बहुत मज़ा आती है, इस तरह से ऐसे 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 प्यार करने में बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है, बहुत ज़्यादा वाली मज़ा आती है ना जैनी बाबू। हटा दिया मैंने तो फिर से कह दिया करो। सो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, एक लंच वंच खाना है मुझे, लंच फिनिश करना है, भूख लगी है मुझे, और बेड शीट वगैरह भी क्लीन करना है मुझे, पूरी पड़ी हुई है ऐसे ही, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म करना है, तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म कर ले जल्दी से, फिर मिलते हैं आप लोगों से।